इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया गया बेल का आइकन दबाइए। हमारा एक दोस्त गुजरात के गांव में खेतीबाड़ी करता है। थोड़े दिन पहले हम वहां होकर आए हैं और साथ में आपको जो वीडियो में दिख रहा है वो नीम के ऊपर चढ़ी हुई गिलोई साथ में लेकर आए हैं। हम पहले तो गिलोई रोज पीते थे, परंतु हमारे पास ऐसी कुदरती और हरी गिलोई अवेलेबल नहीं थी, पर हम पूरे 6 माह की गिलोई खेतों से तोड़कर अब लाए हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हरी गिलोई का काढ़ा कैसे बनाते हैं और कैसे पिया जाता है वो सिखाने वाले हैं। वीडियो में जो दिख रहा है वो गुच्छा नीम के ऊपर चढ़ी हुई गिलोई का है। नीम के ऊपर चढ़ी हुई गिलोई इम्यूनिटी के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसके अलावा रक्त शुद्धि, स्किन की सारी समस्याओं का हल इसमें पाया जाता है और साथ में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे दर्दों में यह रामबाण साबित होती है। हमें बुखार और स्किन प्रॉब्लम में बहुत ही फायदा इससे हुआ है, इसीलिए हम इस गिलोय को शत शत जिंदगी भर नमन करते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में गिलोय का पानी कैसे बनाकर पिया जाता है आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको ऐसी हरी गिलोय और वह भी नीम पर चढ़ी हुई गिलोय मिल जाए तो वह सबसे बेस्ट है। किसी और पौधों पर चढ़ी हुई मिले तो भी अच्छा है, लेकिन हरी गिलोय का इस्तेमाल करें तो सबसे बेस्ट माना जाता है। हरी गिलोय के छोटे टुकड़े कर लें, साफ बर्तन में थोड़ा पानी डालें, फिर ऐसे गिलोय को मसल के पानी के अंदर डाल दें। थोड़ा उबल जाए फिर इसके अंदर थोड़ा सा अदरक डालकर वापस इसको उबालें। 10 मिनट में ये पूरा उबल जाएगा और यह एक खास काढ़ा तैयार हो जाएगा। उबाल के बाद गिलोय का कड़वा रस पानी के अंदर आ जाएगा और पानी थोड़ा कड़वा हो जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा सेंधा नमक या फिर काला नमक डालकर हल्का गर्म हो तब 1 कप भर के आप पी जाए। हमें यकीन है दोस्तों कि 1 कप काढ़ा ऐसा रोज 1 या 1.5 महीने तक लगातार पिया जाए तो आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, कभी बुखार नहीं आएगा और खास करके रक्त शुद्ध होने पर कभी स्किन की समस्या नहीं होगी। स्किन की प्रॉब्लम है तो भी वह दूर हो जाएगी। आप अगर रोज पीना चाहते हो तो आराम से इसे पी सकते हो, परंतु गर्मी के सीजन में इसके अंदर अदरक डालना ठीक नहीं है क्योंकि उसकी प्रकृति गर्म होती है। आप केवल गिलोय का रस अवश्य रोज पी सकते हो। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। आप सबका दिन शुभ रहे।